बात करते जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस डर्बन सुपर जेंट्स के बारे में, तो साउथ अफ्रीका T20 अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया है। अब बस कुछ ही टीम लीग मैच बचे हैं, तो उसके पहले ही 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें डर्बन, सनराइजर्स एंड परल है। तो ये अब प्लेऑफ के लिए एक टीम की जगह बची है, जिसके लिए बाकी 3 टीमों में फाइट चल रही है। जो अपने मैच बचे हुए मैच जीतेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 29th मैच की, जिसमें एक तरफ है जोबर्ग सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ है डर्बन सुपर जेंट्स के बारे में। यह मैच 3 फरवरी को वंडरर्स जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और वेदर रिपोर्ट की बात किया जाएगा गाइस, तो मैच के लिए वेदर क्लियर स्काई रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा, टेम्परेचर 19°C रहेगा। विनिंग परसेंटेज की ओर देखा जाए तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 33% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 67%। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 137, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 114। तो हेड टू हेड बात करें दोनों मैच की, तो जोबर्ग का हुआ है 2 और जो डर्बन का हुआ है 1। और बात करें जोबर्ग सुपर किंग्स और एनालिसिस की, तो यह टीम का लास्ट लीग मैच है। इस वक्त टीम में बहुत लो चल रही है, टीम के अब तक खेले गए 9 मैचों में 2 ही जीत पाई है और 5 में हार गई है, और टेबल में पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है। और टीम के पास चांसेस नहीं है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का, अगर टीम यह मैच जीत लेती है तो अब लास्ट गेम में टीम के मेक में हराया गया, इसे में टीम कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। और जोबर्ग सुपर किंग्स की कप्तान माफुंडू प्लेसेस है, टीम के बैटिंग फ्लॉप चल रही है, लास्ट गेम में बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप थी। ओपनिंग में डुप्लेसिस एंड ल्यूस डूर पॉली एंड डुप्लेसिस भी अब फॉर्म में आ गए हैं। मिडिल ऑर्डर में वीक दिख रहा था, जिसमें रिजा हेंड्रिक्स एंड विल्डी मल्डिस ल्यूस डी पॉली टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। विकेट कीपिंग में और डोनोवन फेरेडिया हैं, और लोअर ऑर्डर में मोइन अली भी शामिल हैं। तो बॉलिंग अटैक में डॉन ब्रिसवेल और टीम के न्यू प्लेयर ऐड हुए हैं, और नंडे बर्जर टीम को लीड कर रहे हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में इमरान ताहिरी और टीम को ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, और इजाद विलियम्स 12 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। और जोबर्ग प्लेइंग 11 की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस, रिजा हेंड्रिक्स, मोइन अली, ल्यू डी पॉली और वैन मैडसी और डोनोवन फेरेडिया, केली और सिमोन्स, डॉज ब्रिसवेल और एंडाइन बर्जर, लीजार्ड विलियम्स और ये इमरान ताहिरी के प्लेयर्स की बात करें तो डू प्लेसिस एंड और नंदर बर्जर और रिजा हेंड्रिक्स। और डर्बन सुपर जेंट्स शॉर्ट एनस की बात करें तो टीम इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और हर मैच में जीत रही है। टीम ने 9th मैच खेलकर 7 में जीती और 2 में हार गई है। लास्ट 4 गेमों में टीम जीत गई है और टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। टीम 32 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। केशव महाराज टीम के कैप्टन है और टीम की बैटिंग बहुत ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीम को ओपनिंग में टोनी डी जॉर्जी एंड ब्रिटिश किसे अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं। अब ब्रिटिश ने लास्ट गेम में 73 रन बनाए थे। अब ब्रिटिश ने टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। नंबर 3 पर डी कॉक खेल रहे हैं और नंबर 4 पर जे एस स्मूथ अच्छे फॉर्म में है। और टीम के पास बहुत सारे मिडिल ऑर्डर हैं और केमी पॉल एंड हेंड्रिक्स कल से टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। बॉलिंग में टीम लास्ट गेम में सुपर हिट थी और बॉलिंग अटैक में टीस टॉपलेज की जगह आए जूनियर डेला ने लास्ट गेम में 5 विकेट लिए हैं और न्यू बॉल से विकेट दिला रहे हैं। और नवीन उल हक इस पिच में इफेक्टिव हो सकते हैं। नूर अहमद सबसे ज्यादा विकेट ले रहे हैं और केमी पॉल बहुत महंगे रहे थे। केशव महाराज के पास काफी एक्सपीरियंस है और टीम को उनके अच्छे स्पेल की उम्मीद होगी। और डर्बन सुपर प्लेइंग गार्ड की बात किया जाए तो केशव महाराज, क्विंटन डीकॉक, मैथ्यू ब्रिटिस, जे स्मॉट, टोनी डी जॉर्जी, केमी पॉल, हेंड्रिक्स कलेशन और वीएम मुल्डर और जूनियर डाला और नवीन उल हक और नूर अहमद। की प्लेयर्स की बात करें तो क्विंटन डीकॉक, हेंड्रिक्स कलेशन, केशव महाराज। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेडिक्शन की, तो दोनों टीम्स की प्लेइंग गार्ड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगर टीम को कंपेयर किया जाए या टीम की यूनिट को देखा जाए तो मैच का विनर जोबर्ग सुपर किंग्स हो सकता है। तो आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया है तो। आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़े मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़।